ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर शहर स्वच्छ व सुंदर हो इसके लिए भोटा चौक से लेकर नादौन चौक तक सड़क के किनारे नालियों तथा फुटपाथ को चकाचक किया जाएगा। हमीर भवन में आयोजित मंडे मीटिंग के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त हरिकेश मीणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। सड़क पर धूल न उड़े इसके लिए विभाग के अधिकारियों को पानी का छिड़काव करने को कहा ताकि राहगीरों तथा दुकानदारों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। हमीरपुर शहर स्वच्छ व सुंदर हो इसके लिए भोटा चौक से लेकर नादौन चौक तक सड़क के किनारे नालियों तथा फुटपाथ को चकाचक किया जाएगा। आज हमीर भवन में आयोजित मंडे मीटिंग के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त हरिकेश मीणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। सड़क पर धूल न उड़े इसके लिए विभाग के अधिकारियों को पानी का छिड़काव करने को कहा ताकि राहगीरों तथा दुकानदारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। एसडीएम सदर को आज ही भोटा चौक से नादौन चौक तक डिमार्केशन करवाने को कहा गया है तथा नालियों तथा फुटपाथ के कार्यों को बेहतर ढंग से बनाया जा सके। बिजड़ी बाजार की सड़क का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हमीरपुर शहर में सड़क के किनारे नालियों तथा फुटपाथ के कार्य के चलते विद्युत विभाग तथा आईपीएच विभाग भी अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य को तुरंत अंजाम देना सुनिश्चित करेगा। उपायुक्त ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को टिक्कर तथा बोटा में यातायात को सुचारू रूप से चलाने तथा सड़क नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। खनन अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर निर्माणाधीन पुलों में प्रयोग हो रही सामग्री की नियमित रूप से चेकिंग करने तथा अवैध खनन के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शिक्षा विभाग जिला में सभी स्कूलों में पेयजल टंकियों की सफाई को सुनिश्चित बनाए। इसके साथ ही सभी विभाग भी अपने अपने कार्यालय की पेयजल टंकियों की अक्टूबर माह से पहले सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। एपीएमसी जिला के उन्नतशील किसानों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने के लिए एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाए। आरटीओ को ऐसे वाहन चालकों के चालान करने को कहा गया जो कि निजी वाहन में सवारियों को ले जा रहे हैं। बिजली विभाग शहर में प्रत्येक भवन की चेकिंग कर उसमें स्थापित विद्युत मीटरों की सूची बनाकर उपलब्ध करवाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, एसडीएम डॉक्टर चिरंजीलाल, सहायक आयुक्त राजकृष्ण के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।